पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का एक बड़ा प्यारा पद है। क्यों बना भिखारी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। ज्ञान सचिव पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी, जग के ताने बाने पर मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। हाँ मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग जाने पर, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग जाने पर। तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर, तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर। तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। बड़ा बड़ा पद है, विस्तृत पद है। ठाकुर जी ने कहा ये राजकुमार मचल्ला तो अकेले मत जाने दो, ज्ञान सचिव को संग भेज दिया और कह भी दिया कि ज्ञान सचिव की बात मानना, तो अपने मन से इधर उधर मत करना। लेकिन आगे चल करके इसने ज्ञान सचिव की बात को ठुकरा दिया और जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय हैं इनको देख करके ये ललचा गया। ज्ञान सचिव ने समझाया ये तुमको फंसा करके तेरी तुम्हारी दुर्गति कराना चाहते हैं और तुम जो है विचार करके निर्णय करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारा निर्णय। एक बार तो इसने मने कर दिया, फिर ये विषय फिर आए, विकार फिर आए। इन्होंने कहा हमसे दोस्ती कर लो, हम बहुत बढ़िया बढ़िया तुमको आँख ने कहा हम ऐसा दिखाएंगे, कान ने कहा हम ऐसा सुनाएंगे, जीव ने कहा बड़े तरह तरह के हम तुमको रस चखाएंगे। और इसका मन भी
लुभायमान हो गया। अब जैसे इसकी मन इंद्रियां लुभायमान हो गई, इसने कहा भाई देखो ज्ञान सचिव, तुमने जो बात समझाई है तो अब मानने योग्य हमको समझ में नहीं आ रही, तुम मानने योग्य नहीं। अरे भाई हमको बाजार घूमने के लिए भेजा है, मौज करो खाओ पियो मौज मस्ती लो इसके लिए भेजा है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो हमको बंधुआ बना रखा है, हमको स्वतंत्र छोड़ते ही नहीं। और उसने कहा भाई हम तो राजाज्ञा का पालन कर रहे हैं। तब राजकुमार ने कई पंक्तियां हैं वो उनका केवल संक्षिप्त भाव हमने बताया, तब उसने क्या कहा, सचिव मात्र हो मंत्री मुझ पर शासन का अधिकार नहीं, सचिव मात्र हो मंत्री मुझ पर शासन का अधिकार नहीं, जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। हाँ जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं, नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार परदेसी। अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। अब हुआ क्या, कर्मेत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा, कर्मेत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा, मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा, हाँ मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा, जन्म व्याधियो जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा, जन्म व्याधियो जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा, चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना भूल पड़ा, हाँ चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना भूल पड़ा, अब विविधि योनि में जन्म बारम पार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे तो जगत पिता का प्यारा राज।
चार लक्ष चौरासी भटकत भटकत नर्तन पाया आकर चार लक्ष चौरासी भटक भटक नर्तन पाया साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया अब नारायण प्रभु सुमिर उतर अब पार रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे अब नारायण प्रभु सुमिर उतर अब पार रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा इसलिए कर्मयोग से चित्त की शुद्धि ज्ञान योग से स्वरूप बोध में भगवान का ही हूँ केवल भगवान ही मेरे हैं और इसके बाद जब स्वरूप बोध हो गया तो जैसे जो उस राजकुमार को पता चल गया मैं बहेलिया का पुत्र नहीं मैं तो राजकुमार हूँ तो अपने पिता के प्रति सहज अनुराग उत्पन्न हो गया ऐसे ही भगवत संबंध की स्मृति होते ही भगवान में सहज अनुराग हो जाए।